नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। मुख्य रूप से नोटा समर्थन के पक्षकार व जन्मदाता आर के भारद्वाज ने नोटा समर्थन को लेकर लखनऊ के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। इन्होंने बताया, वर्तमान में राजनीति के सिद्धांतों का लगातार पतन हो रहा है और भ्रष्टाचार से लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अमूल चूक परिवर्तन करना है और इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, जिसका एक तरीका राइट टू रिकॉल है, जिसे नोटा भी कहते हैं। और जनता से अपील है कि भ्रष्टाचार हो चुकी राजनीति और भ्रष्ट नेताओं को सबक सिखाने के लिए मशीन में नोटा बटन दबाएं। नोटा को लेकर इनका कहना है कि अभी कुछ वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को नोटा की वजह से ही हार का सामना करना पड़ा था, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ और हम पूरे देश में जाकर नोटा मिशन पर काम कर रहे हैं। वहीं अपने बयान में भारद्वाज ने विकल्प के रूप में अपनी पार्टी क्रांतिकारी मनुवादी मोर्चा का भी जिक्र किया। मैं सन 50 में इस धरती पर आया था, जिस दिन सरदार पटेल गए थे। मेरी आत्मा उनके अंदर है और मैं उनके सपनों को साकार करने की का बीड़ा उठाए हुए मैं यही चाहता हूं कि जो वो हल्के आयरन मैन साबित हुए, वीकर यानी कमज़ोर आयरन मैन साबित हुए, सारे राजा महाराजाओं के सामने बहुत ताकतवर साबित हुए, लेकिन जहां पे J&K के मामले में वो नेहरू गांधी के सामने झुक गए और रास्ते से हट गए, जिसकी वजह से हमें आज वो दुख झेलना पड़ रहा है। और जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक हमें J&K की समस्या से लगातार जूझना पड़ेगा, वो एक बात है। और राजनीति में जो लगातार पतन होता जा रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, उसी की वजह से समाज में भी, क्योंकि समाज राजनेताओं की तरफ देखता है। पहले राजनेता या राजनीति समाज की तरफ देखती थी, बिल्कुल उलट हो गया है। तो अब राजनेता यानी राजनीति और समाज में भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरह से व्याप्त है, उसको आमूलचूल परिवर्तन करना है। उसके लिए बहुत कुछ हमें बहुत संघर्ष करना है और उस संघर्ष का एक तरीका राइट टू रिजेक्ट एंड राइट टू रिकॉल, हमने सन 98 में गांधीवादी ना होने के बावजूद गांधी की समाधि से 108 दिन लंबा धरना किया था, जिसमें हमने कहा था कि आरक्षण की जगह गरीब बच्चों को संरक्षण दे के योग्य बनाया जाए और योग्यता पर आधारित समाज बने, सिस्टम बने और दल बदल पे पूरी रोक लगे। MP MLA दल बदलना चाहे तो पहले सीट छोड़ना अनिवार्य हो और राइट टू रिजेक्ट यानी जिसका नाम अब नोटा के नाम से मशहूर है, उसको सिर्फ बटन को मशीन में लगाने में हमें अभी तक सफलता मिली है, लेकिन उसके बावजूद हमने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा को मुंह की खिलाने में हम सफल हुए हैं, क्योंकि वहां पर भाजपा हारी और कांग्रेस जीती। सिर्फ नोटा की वजह से यह हार जीत हुई, अगर नोटा ना होता तो भाजपा हर हालत में जीतती। तो ऐसा हमने इनको सबक सिखाया है, लेकिन फिर भी ये अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, जिसका खमियाजा इनको बार बार भुगतना पड़ेगा। जब तक हम हैं, हम नोटा मिशन पे पूरे देश में जा कर के और इनका बैंड बाजा बजाएंगे, किसका, जो ये गलत जिद करके अड़े हुए हैं कि हम तो जो कुछ करना चाहें हम सर्वशक्तिमान हैं, हम जो कुछ चाहेंगे वो होगा, वो हम होने नहीं देंगे। ये थी लखनऊ से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।